पहाड़ी भाई पीलोचा ऐसे करके जो है, मुझे पूरा नाम याद नहीं है इनका, तो धोत्री कैसे शख्सियत हमारे बीच में है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी आगे आ जाए, धर्मेंद्र जी का जो है बैच अवसर में उनका स्वागत करेंगे। चलिए जी, बहुत गौरवान्वित फील कर रहा हूँ आज। सामने पे हमारे आलोक भाई। हेलो भाई, क्या हाल है? जय बाबा केदार। क्या जय बाबा केदार, मतलब कैलाश के बाद पहाड़ी बोलना पड़ता है, मैंने ब्लॉग में देखा। हमारे कूल पहाड़ी भाई, बिल्कुल हमेशा कूल रहते हैं एकदम। चलिए जी, एक और नए ब्लॉग की शुरुआत हो गई। नए ब्लॉग की शुरुआत आज फिर से खुरमलाधार से हो रही है। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ। उम्मीद आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बाहुगुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत सिधार खुरमलाधार से। तो मौसम की बात किया है तो मौसम तो पूरा बादलों से घिरा हुआ है। और बाकी आज मैं अकेले आ रखा हूँ, कुछ दिन पहले मेरे साथ दोस्त आ रहे थे और यहाँ पर मैंने वीडियो को अपलोड करने के लिए लगा रखा है। तो आज है 15 अगस्त, यानी कि स्वतंत्रता दिवस। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और देखिए जी, दिनों दिन खुरमलाधार में खतरा बढ़ता जा रहा है। जो ठीक सामने वाली धार है, कुछ दिन पहले इस वाली धार पे दिन में 2 बकरियां और 1 कुत्ते को 2 बाघ ने खत्म कर दिया था। तो मुझे भी घर वाले यही बोल रहे हैं कि भाई मत जाओ वहाँ, हालांकि खतरा तो बहुत ज्यादा, लेकिन क्या करूँ, मेरे गाँव में नेटवर्क आता ही नहीं है। आता है तो थोड़ा बहुत आता है, उतने में मेरी वीडियो जल्दी अपलोड नहीं हो पाती है। और अब मुझे भी डर लग रहा है, क्योंकि भाई साहब 3-4 दिन पहले की ही बात है भाई साहब, और सुनाई दे रहा है कि 2 बाघ है बल। तो जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड करता हूँ, फिर घर निकलता हूँ यहाँ से। और ठीक सामने पहाड़ियों की बात किया है तो पहाड़ियों पर कोहरा घिर रखा है और कोहरे की वजह से अलग ही नजारा दिखाई दे रहा है। तो देखिए जी, आज किस्मत भी बहुत अच्छी है, 2.5 से 3 MB की स्पीड आ रही है और मात्र 8 मिनट दिखा रहा है वीडियो को अपलोड होने में। चलिए, आज ऊपर वाला भी मेरा साथ दे रहा है। बाकी धीरे धीरे जो गांव के ऊपर पहाड़ियां हैं वहां भी पूरी तरीके से कोहरा छाने लग गया है। तो चलिए जी, लगभग वीडियो भी अपलोड हो गए और बाकी निकलता हूँ मैं भी यहाँ से अब। तो चलिए जी, वीडियो तो अपने टाइम से अपलोड हो गए और बाकी अब मैं भी निकल गया यहाँ से घर। अब भाई दिनों दिन बाघ का खतरा तो पहाड़ों में ज्यादा बढ़ रहा है और खासकर इस खुरमलाधार में तो ज्यादा ही हो रहा है। मुझे कई बार लोगों ने वार्निंग दे दी है कि मत जा। अब पता नहीं भाई किस्मत में क्या लिखा मेरे, लेकिन मैं एक चीज मानता हूँ, ऊपर वाले पे भरोसा रखो और अपनी मेहनत पे भरोसा रखो। आप जैसी इतनी प्यारी फैमिली को कमाने में मुझे लगभग 3 साल लग गए, तो आप लोगों को मैं इतने आसानी से गंवाने नहीं दूंगा। बाकी चलो देखते हैं क्या होता है नसीब में। पहले मैं इस वाले बैंड पे आता था वीडियो अपलोड करने, लेकिन यहाँ भी अच्छे से नेटवर्क नहीं आता, तो अब मैं ठीक सामने ऊपर वाली धार पे जाता हूँ। बाकी चलो, पहाड़ों पर कोहरा भी घिर गया है तो मैं भी यहाँ से घर निकलता हूँ जल्दी। और देखिए, कल कुछ मेरे यूट्यूब मित्र हमारे इधर आने वाले थे, क्योंकि कल है दयारा बुग्याल में बटर फेस्टिवल, तो वो लोग भी कल यहाँ पहुँचने वाले थे। लेकिन क्या हुआ कि घनसाली के आसपास सुजान भाई की बाइक खराब हो गई, तो जो आने वाले यूट्यूबर हैं वो है आलोक राणा, कूल पहाड़ी, सुजान भाई, ऋतिक भाई और कैलाश भाई। तो अभी सुजान भाई का फोन आ रहा है, एक बार बात कर लेता हूँ फिर से। कल शाम को अचानक से उनकी बाइक खराब हुई। क्या हुआ बल्कि जो सुजान भाई की हिमालयन बाइक है उसकी टाइमिंग चेन खराब हो गई। तो कल रात हमने भी इधर उधर कोशिश की पता करने की कहाँ मिलेगी, उत्तरकाशी में तो मिल रही है लेकिन रात तो बहुत ज्यादा हो गई थी। कहाँ हो सुजान भाई? अरे यही है यार। क्या क्या हुआ बताओ? प्रॉब्लम ये आ रही है कि उत्तरकाशी में सिर्फ टाइमिंग चेन है। हाँ हाँ, अच्छा। हाँ, चलिए जी, अभी मेरी फिर से सुजान भाई से बात हुई तो उनके साथ क्या दिक्कत आ रही है, जो उनकी बाइक है हिमालयन उसके कुछ पार्ट कहीं मिल रहे हैं, कुछ कहीं मिल रहे हैं, यानी कि कुछ पार्ट उसके रिस्केस में मिल रहे हैं तो कुछ चम्मा में मिल रहे हैं, लेकिन प्रॉपर पूरे पार्ट एक ही जगह पे नहीं मिल पा रहे हैं, इस वजह से दिक्कत हो रही है। कुछ अगर चम्मा मिल रहे तो कुछ रिस्केस में मिल रहे तो वहाँ से फिर लाने में भी दिक्कत हो रही है। उनकी गाड़ी फंसी हुई है घनसाली में। तो कुल मिला के बात है कि बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उनको। बाकी मैंने भी बोल दिया कि मेरे से भी जो भी हो पाएगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो देखो, अभी बात ही चल रही है, हो सकता है क्या पता मुझे आज घनसाली जाना पड़े, क्योंकि वो लोग जाएंगे दयारा बुग्याल। चलो देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा मिलजुल के करेंगे। मैं भी नहीं चाहता कि मेरे मित्र इतनी मुसीबत में फंसे, तो जितना भी मेरे से हो पाएगा मैं पूरा 100% एफर्ट करूंगा भाई। ओ भाई साहब, ये गधेरा तो आज ही रात को आया। भाई आजकल डेली रात को बारिश हो रही है और बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही भाई रात को, क्योंकि अक्सर जो लैंडस्लाइड रात को ही होता है और तबाही भी रात को ही आती है। चलो मैं फाइनली घर भी आ गया हूँ और बाकी थोड़ा बहुत सूर्य देव ने दर्शन दे दिए हैं और बाकी ज्योति का बना रही गर्मा गर्म चाय, उसके बाद मैं तैयार होता हूँ, क्योंकि अनीता ने बोला है कि भैया मेरे स्कूल में आ जाना। तो आज 15 अगस्त है तो उनके स्कूल में कार्यक्रम चलते हैं, तो थोड़ा वहाँ भी अपने हाजिर लगा देता हूँ। आखिर भाई तू मार्केट जा रहा है, तो वो भी मार्केट का काम करके जल्दी घर आने वाला है, फिर हम दोनों चलेंगे यहाँ से स्कूल। और ठीक किचन की बात किया तो हेलो ज्योतिका, क्या कर रही है? चाय बना रही। चल बना। तो बाकी कमरों में अभी कोई नहीं दिखाई देगा, क्योंकि माँ जा रही घास के लिए, अनीता जा रही स्कूल और अखिल जा रहा मार्केट और मैं आ गया अभी घर। चलो भाई, ज्योति घर में गर्मा गर्म चाय ला दी है। शबाश 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 शबाश। आजकल लोकेश भोला के घर में था तो मस्त करके दही भी मिल रही थी, दूध वाली चाय भी मिल रही थी, बहुत मजा आ रहा था। चलो भाई, दिन की 11:30 बज रहे, मैं भी तैयार हो गया हूँ। तो बाकी थोड़ी देर पहले अखिल भाई भी आ गए, ये भी हीरो बन गया। हाँ भाई सही है, चलो फिर
हाँ भाई हीरो तो है भाई, बस बिना हीरोइन के हीरो है भाई। चलो मैं निकलता हूँ यहाँ से, बाकी यहाँ आज अकेली है ज्योति का, ठीक है? ठीक है, जल्दी आना। जल्दी जल्दी आता हूँ मैं, देख तो अभी। तो भाई मानसून का समय है, तो रास्ते में चारों तरफ घास ही घास दिखाई दे रही है। बाकी सुजान भाई लोगों से भी मेरा कांटेक्ट होता जा रहा है मोबाइल पे, तो जो भी अपडेट है वो मेरे को बता रहे हैं, तो जैसे वो बोलेंगे उसके बाद फिर मैं वैसे ही करूंगा। बाकी ठीक सामने वाले पेड़ पे देखो, इसको हम लोकल भाषा में पांगर बोलते हैं, वैसे उसको चेस्टनट बोलते हैं। इसके पीछे भी हम बचपन में भाई साहब सारा दिन जंगलों में रहते थे। बाकी भाई मानसून से तो आजकल चारों तरफ तबाही तबाही हो रही है। ठीक सामने वाली पहाड़ी पर देखो, वहाँ भी लैंडस्लाइड हो रखा है। तो ठीक सामने पे हमारे गाँव का हॉस्पिटल, और यहाँ भी देखो यहाँ भी ध्वजारोहण हो रखा है। देखो यहाँ पे लल्ली भी आ गया। नल्ली कहाँ जा रही है आज? हाँ मेरे साथ चल। बाकी देखिए जी, हम तो आजाद हो गए, लेकिन बड़ा जी बोल रही है आजाद नहीं हुए वाला अभी। हम तो अभी नहीं हुए, अगर ताई जी आ गए ना अभी तब चलता पता आजादी का। वहाँ से ताई जी आएगी और ताऊ जी यहाँ से रेस। 9-2-11 अभी इनको आजाद करना पड़ेगा। हम भी तो हम भी होने वाले कुछ समय बाद गुलाम। सही बात है। बाकी अखिल भाई भी आ गया, चले अब। चलो तो बच्चे लोग बोल रहे हैं कि कार्यक्रम शुरू हो गया है, अब थोड़ा हम भी अपनी हाजिरी लगाते हैं। बचपन में तो कभी कार्यक्रम में किया नहीं, भाग भाग जाते थे जैसे हमारा नाम लिखते थे टीचर लोग, लेकिन आज हम धाक से जाएंगे। मिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। पहाड़ी भाई पीलो चाहे ऐसे करके जो है, मुझे पूरा नाम याद नहीं था। देखो सर, वो छत पे बैठ खड़े हैं। तो मेरे बच्चे ने मुझे बताया कि पापा आप कहीं भाषण दे रहे थे स्कूल में। मैंने कहा हाँ दे तो रहा था, कि मैंने आपका यूट्यूब में देख लिया है। मैंने कैसे देखा कि ये था, तो फिर मैंने भी देखा मैंने कहा कौन है क्या है, तो भोजपुरी के ऐसे शख्सियत हमारे बीच में है जो अपने घर पर रहकर हितलायन को नकार करके जो है नए जो है रोजगार की तरफ और जो है नौ एक जो है कौशल विकास जिसको हम कहेंगे जाने जाते हैं, ऐसे यूट्यूबर भी हमारे बीच में उपस्थित है। मैं आपका नाम तो इस समय अभी याद नहीं है, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी आगे आ जाए। धर्मेंद्र जी का जो है बैच अंदर उनका स्वागत करेंगे। और प्यारे छात्र छात्राओं, ऐसी जो हमारे बीच की विभूतियाँ हैं, आप में से ही हैं जो आज अपने अपनी बुद्धि और कौशल के दम पर जो है पूरी दुनिया में राज कर रहे हैं और प्रगति के पथ पर हैं, और जिनका जिनकी वजह से जो है गायना क्षेत्र आज जो है सोशल मीडिया के रूप में जो है जाना जाता है। गायना क्षेत्र भी है और वहाँ पे धोबी विद्यालय भी है। तो मैं करीबन देख रहा था 2-2.5 लाख आपके आसपास उनके कुछ यूजर ऐसे कुछ हैं, तो आपका भी विद्यालय परिवार की तरफ से बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन सर। उन वीर शहीदों को, राजनेताओं को, राष्ट्र कवियों को सशक्त नमन करता हूँ जिन्होंने यहाँ खुशहाली का पर्व हमें प्रोग्राम किया था। बेटा ये सर क्यों मातुरा की डकैत का मेरी उठ बटांग रह जी के जा जन चोरों की नजरी है तू चार तीसरे में तुम भी चैन ले बोले जा चार। चलिए जी, बहुत गौरवान्वित फील कर रहा हूँ आज की जिस स्कूल में 2013 में इंटर पास आउट हुआ, आज मेरे को वहाँ सम्मानित किया गया, तो इससे बड़ी गर्व की बात क्या हो सकती है। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जाने। जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मेरी टीम बहुत ही मजबूत टीम है, अनुभवी टीम है। बाकी चलिए आज जो 15 अगस्त का कार्यक्रम हो यहीं पे समापन हो रहा है, तो लगभग जितने भी अभिभावक बंधु आ रखे हैं सभी लोग अपने अपने घर जा रहे हैं। और एक सबसे और बड़ी बात बोलता हूँ कि सुबह से मौसम पूरा पैक हो रखा था, लेकिन भाई साहब जैसे ही कार्यक्रम हुआ बिल्कुल मौसम ठीक हो गया, यानी कि मौसम ने भी पूरा साथ दिया आज स्कूल वालों का, यानी कि जितने भी अमर शहीद थे उनके गुणगान करने में मौसम ने भी पूरा साथ दिया। चलिए जी, फाइनली कार्यक्रम पूर्ण हो गया है और बाकी बहुत अच्छा लगा भाई साहब जैसे स्टेज पे बुलाए ना। सच बताऊं तो जिस स्कूल में मैंने इंटर किया उस स्कूल में जैसे ही आगे बुलाए सबके सामने
चाहे कैसा भी ब्लॉगर हूँ मैं, भले मैं कैमरे के आगे कितना भी जोरों शोरों से बोलूँ, वहाँ मेरे पाँव कांप रहे थे भाई। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जहाँ से इंसान पढ़ता है ना, वो भले कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन विद्या के घर में उसका हमेशा सर झुकता है। और बाकी दूसरे स्कूल के बच्चों का जो 15 अगस्त कार्यक्रम है वो भी संपूर्ण हो गया है, तो छोटे छोटे बच्चे जो वहाँ पर स्पीकर ला रखा था उसको घर ले जा रहे हैं। बहुत बड़ा शाबाश शाबाश, थैंक यू। बिल्कुल थैंक यू। भाई एक चीज तो माननी पड़ेगी, जिस प्रकार से 5G आ गया ना, उस प्रकार से आज के जो बच्चे ना बहुत एडवांस हो गए भाई। इनकी उम्र में हम घबराते थे, लेकिन ये फुल कॉन्फिडेंस से बोलते हैं भाई। तो चलो फिर, कार्यक्रम तो निपट गया, बाकी मैं भी घर जा रहा हूँ और हमारे अखिल भाई यहीं से आज अपने गाँव जा रहे हैं। चलो बहुत जल्दी मिलते हैं। वैसे मैंने बोला यहीं रहो, लेकिन सरकारी बंदे यार, इनको ऑफिस भी नहीं है, बताओ मुझे रहने की कोई सीमा नहीं है। चलो बहुत जल्दी मिलते हैं, ठीक है। बाकी बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है आज, मतलब मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छा लग रहा है कि स्कूल में मेरे को आज आगे बुलाया। और सबसे पहले तो मैं उन टीचरों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे उस लायक समझा, जिन्होंने मेरी कला को समझा। तो जितने भी वहाँ टीचर थे सबको हाथ जोड़ के एक बार प्रणाम करता हूँ। चले जी, मैं भी घर पहुँच गया और मेरे आते ही अनीता भी पहुँच गए घर। हेलो बड़ा, अरे बस पाओ मनी, कैसा लगा आज? अच्छा, बहुत मजा आई। क्यों आई मजा? डांस देखा, घूमते रहे। हाँ, मेरे को भी बुलाया आगे, देखा तूने? कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। इसको बहुत अच्छा लगा कसम से, मम्मी कसम। चल ठीक है। तो अनीता को बहुत अच्छा लगा जैसे मेरे को आगे सम्मानित किया। चलो चलो, बहुत बढ़िया। और बाकी चलिए जी, मेरी तैयारी अभी यहाँ से ठीक केमुंडा खाल तक जाने की है, क्योंकि वहाँ से जितने मेरे यूट्यूबर दोस्त सब लोग आ रहे हैं। यानी कि सुजान भाई की बाइक तो खराब हो गई है, तो उन्होंने अपनी बाइक को वहीं पे खड़ा कर दिया है। तो मैं अपनी बाइक लेके जा रहा हूँ, उनको अपनी बाइक पे साथ में लाऊंगा। और बाकी औरों के पास तो बाइक है, लेकिन उनके पास बाइक नहीं है। तो उन्होंने बोला पहाड़ी बाइक जहाँ तक हो सकता है आ जाओ, हम भी यहाँ से आ रहे हैं। चलो फिर निकलते हैं, फिर मिलाते हैं आपको कूल पहाड़ी, आरटीके ब्लॉग, कैलाश पहाड़ी, पहाड़ी बाइकर और एसजे फैमिली ब्लॉग यानी कि सुजान भाई से। तो चलो फिर निकलते हैं यहाँ से। तो चलिए जी, निकल पड़ा हूँ मैं अपने दोस्तों को लेने। बाकी भाई मौसम तो पूरा साफ है आज और काफी अच्छा भी लग रहा है, चमकती हुई धूप आ रखी है। जितनी दिन में धूप आ रही उतनी खतरनाक रात को बारिश भी हो रही है। तो अभी मुझे लगभग 25 से 30 किलोमीटर तक जाना है और वहाँ तक वो लोग भी अपनी बाइक पे आ जाएंगे। यानी कि यहाँ से मैं जाऊँगा केमुंडा खाल। तो चलिए जी, फाइनली मैं केमुंडा खाल में पहुंच गया हूं। तो सफर में आगे बढ़ते हुए मुझे अभी केमुंडा खाल से और आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि दोस्त लोग अभी केमुंडा खाल तक नहीं पहुंचे हैं। बाकी भाई साहब यहां तो कोहरा ही कोहरा छाने लग गया है। चलिए फिर देखते हैं कहां मिलते हैं दोस्त लोग। तो लगभग जो घर से मैंने यहां तक डिस्टेंस कवर किया लगभग 27 से 28 किलोमीटर तक किया। भाई साहब यहां तो बहुत ज्यादा ठंड लग रही है भाई, जब मैं घर से निकला था तो वहां तो धूप थी और एकदम गर्मी लग रही थी, लेकिन भाई साहब जैसे ही मैं यहां आया यहां तो बहुत ज्यादा ठंड लग रही मुझे। और अभी मैं केमुंडा खाल की चढ़ाई को पार करने के बाद मैं ढलान पे आ गया हूं। तो यहां से जो घनसाली की दूरी है मात्र 31 किलोमीटर है। तो चले जी, केमुंडा खाल से लगभग 3-4 किलोमीटर और नीचे आने के बाद मुझे कौन मिले हैं सामने पे, हमारे आलोक भाई। हेलो भाई, क्या हाल है? जय बाबा केदार, स्वागत है आपका। धन्यवाद भाई। और ठीक, हमारे कैलाश पहाड़ी भाई, क्या हाल है भाई साहब? बढ़िया है, मतलब कैलाश के बाद पहाड़ी बोलना पड़ता है, हमने ब्लॉग में देखा। नहीं तो अपने आप बोलते हैं पहाड़ी। चलो और बढ़िया ना। और स्वतंत्रता दिवस के आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सभी को भी और आपको भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो चलो भाई, तीन साथी और आ गए हैं, हमारे कूल पहाड़ी भाई, बिल्कुल हमेशा कूल रहते हैं एकदम। हमारे आज गर्म हो गया इंजन है। बाकी हमारे सुजान भाई, एसजे फैमिली, क्या हाल है भाई? और बाकी हमारे फूड ब्लॉगर ऋतिक भाई, क्या हाल है भाई साहब? कड़ी पकौड़ा खाना पड़ेगा एक बार फिर। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो सभी लोग सुरक्षित पहुंच गए हैं और बाकी यहां से अभी और चढ़ाई है 3-4 किलोमीटर की। तो चलिए जी, निकल पड़े हम आगे के सफर के लिए। चले जी, मेरे गांव के ऊपर जो सड़क है वहां पे हम पहुंच गए हैं। मैं तो सभी भाइयों को बोल रहा हूँ थोड़ा थोड़ा चाय पीने चलो, लेकिन इन्होंने बहुत लंबा सफर तय करना है अभी। क्यों बात सही है, बात सही है, वो तो हमारे घर मिलेगी नहीं भाई, उसके लिए होटल में जाना पड़ेगा आगे। अब ये वापसी टाइम आएंगे क्यों? चलो ठीक है ना हो ही जाएगा भाई, अब तो माइंड में रख दी बात। तो चलो भाई, सभी दोस्तों की तैयारी हो गई यहाँ से रैथल गांव जाने की। मैंने तो बहुत कोशिश कर ली, लेकिन ये बोल रहे कल ही आएंगे, बल अब कल ही इंतजार करते हैं इनका। ठीक है चलो फिर, ठीक है बाय।
चलो भाई, दोस्त लोग भी चले गए हैं यहाँ से रैथल गांव के लिए, और कल सुबह वहाँ से अर्ली मॉर्निंग 4 बजे वो निकल लेंगे दयारे बुग्याल के लिए। और बाकी दयारे बुग्याल की जो दूरी है रैथल गांव से 8 किलोमीटर है पैदल ट्रैक। तो मेरे को भी उन्होंने बहुत फोर्स किया लेकिन मैं नहीं गया, मेरी थोड़ा तबीयत भी डाउन चल रही है। कल वो लोग हो सकता है यहीं आएंगे अगर उनको टाइम मिला, अगर टाइम नहीं मिला तो परसों तो जरूर आएंगे यहाँ। और बाकी मैंने अपनी बाइक सुजान भाई को दे दी है क्योंकि उनके पास बाइक नहीं थी। मैं कहा जाओ मस्त करके, कोई टेंशन नहीं यार, थारा भाई इधर है, भले बाइक हल्की वाली है पर चलो चल लेगी, चलते का नाम गाड़ी। चलो भाई फाइनली घर भी पहुंच गया हूँ। ठीक यहाँ की बात किया है तो शेरू भी मस्त करके लेट रखा भाई, ठीक है चल ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है भाई हैं? और यहाँ पर ज्योतिका बैठ रखी है और ये क्या कर रही है, तो ड्रामे कर रही होगी पक्का। हेलो, लग तो नहीं रखा सो रखी ए पापा, ओहो बहुत गहरी नींद में सो रखी भैया, चल चल सो जा सो जा। और बाकी माँ तो जा रही घास के लिए, अभी तक नहीं आई। बाकी चली जी, ज्योतिका बहन ने भी गर्मा गर्म चाय बना दी है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और गर्मा गर्म चाय का आनंद लेते हैं हसीन वादियों के बीच में। मैंने दोस्तों को बोला थोड़ा गर्मा गर्म चाय पी लो, लेकिन भाई साहब 10-15 मिनट तक ऐसे गप्पे मारते रहे, फिर ओवर टाइम हो गया तो उन्होंने बोला कल आएंगे। अब कल चाय क्या, कल वाला खाना भी खाएंगे। मैंने कहा बिल्कुल कल स्वागत है। अब शेरू की तबीयत बिल्कुल ठीक है और मस्त करके चल रहा है, और चारों तरफ देख रहा है कि बंदर तो नहीं आए। शाम के 6 बज चुके हैं और अभी बुआ भी आ गई है, बुआ ने लाया पिरुल। चलो भाई, मैंने गर्मा गर्म चाय भी पी ली और बाकी माँ भी आ गई है पिरुल का भाड़ा लेकर थोड़ी देर पहले। बाकी ठीक सामने गेट की बात गया है तो शेर वहाँ पर बैठ रखा, आजा आजा शाबाश शाबाश शाबाश, आजा आजा। आजकल थोड़ा कमजोर हो रखा है एक्चुअली, कुछ दिन पहले जब इसके पैर पे चोट लगी हुई थी उस टाइम इसने 5-6 दिन तक खाना नहीं खाया, लेकिन अब चोट थोड़ा ठीक हुई तो अब जाके थोड़ा ठीक हो रहा है भाई। और बाकी ठीक सामने पे देखो, माँ ने जो पिरुल का भाड़ा लाया उसको यहाँ पे रखा हुआ है, और पूरे आसमान की बात किया तो चारों तरफ काले काले बादल दिखाई दे रहे हैं। और बाकी ठीक सामने की बात किया जहाँ मेरी नानी का गाँव है, तो वहाँ जो ऊपर वाली पहाड़ियाँ है वहाँ पर भी कोहरा घिर गया है। और बाकी माँ जी जैसे ही भाई साहब घर आए तो देखो चाय का कितना बड़ा गिलास पकड़ रखा है, एक पाव का गिलास सही बात है भाई। बाकी ठीक दिन में मुझे जो बैच मिला था यानी कि जिससे मुझे सम्मानित किया गया वो इसने पहन लिया। क्यों पहना भाई ये है? ऐसे पहन लिया, मजा आ रहा है इसमें तब ठीक है तब ठीक है। तो चलिए जी, अनीता ने भी ला दिया है धारे से पानी। और यहाँ की बात किया है तो भाभी जी और माँ जी मेरा ब्लॉग देख रहे हैं अब यहाँ पे मस्त करके हैं। चलो सही है भाई। हेलो हेलो, अंदर नहीं आना क्या? अरे आजा 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 अंदर आ यार, ये है तेरा घर, वहाँ कहाँ बैठ रहा तू? इसको भी बुलाना पड़ता है भाई, इसको बुलाने की आदत पड़ गई, अगर बुलाओ ना तो वहीं पे बैठा रहता है। और ये भी माँ जी लोगों के पास चले गए कि मेरे को भी दिखाओ ब्लॉग है। तो देखिए जी, समय अभी 7:30 बज रही है और बाहर की बात करें तो बाहर पूरी तरीके से अंधेरा हो गया है, और बाकी जितने भी गांव में स्ट्रीट लाइट सब ऑन हो गई है। ठीक यहां की बात करें तो जैसे जैसे अंधेरा हो रहा है वैसे वैसे शेरू भी अब अलर्ट हो रहा है। आवाज धरो, अलर्ट रहो, ठीक है? हाँ सही है। और यहां की बात करें तो हाँ जी, क्या देख रहे हो हैं? बड़ी ज्ञान की चीज देख रही होगी हैं? चल ठीक है ठीक है ठीक है। बाकी ठीक सामने पे देखिए जी, ये है चंद्रमा। तो चलो, आज दिन भर बारिश तो नहीं हुई लेकिन कोई भरोसा नहीं मौसम का, जैसे ही अंधेरा हो रहा है वैसी बारिश हो रही है। कल जब मैं भी घर आया उस टाइम तो मौसम ठीक था, लेकिन जैसे अंधेरा हुआ ढंग से बारिश होने लगी रात को, फिर डर लगने लगा। चलिए जी, रात की 10:15 बज रही है। हेलो, खाना बन गया? क्या बना रखा आज खाने में? दाल रोटी। चल ठीक है, चावल बना रखे? अच्छा मतलब हाँ। चलो जी, दाल रोटी बन रखी और मतलब हाँ भी बन रखा है। तो चलिए जी, रात का खाना भी आ गया, गर्मा गर्म अरहर की दाल साथ में गर्मा गर्म रोटी। बाकी चलिए जी, गर्मा गर्म खाना खा ले और बाकी अब सोने की तैयारी करता हूँ। और माँ जी ने भी यहाँ पे खाना खा लिया, खा ली? और ठीक वहाँ पर देखो, वहाँ बहन सो रखी मस्त कर। हेलो सो सो, तू VIP मोड में सो, अपने घर में यही फायदा, ससुराल में चलेगा पता। तो आजकल आराम करने आ रखी यहाँ थोड़ा। और बाकी भाई अनीता की ड्यूटी लगी बर्तन धुलने। हेलो, लगी धुलने पे? ठीक है ठीक है। तो बाकी चलिए, मैं भी इस वीडियो को इतना रखता हूँ। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अपने पहाड़ी भाई को ऐसे प्यार दो जैसे आप दे रहे हैं। मैं रविंद्र बागुना मिलता हूँ किसी अगले एक और फरीदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय देव उत्तराखंड, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।